कार्यक्रम को लेकर दीपक मिश्रा प्रख्यात समाजवादी चिंतन ने दी है तीखी प्रतिक्रिया राम मंदिर को लेकर के। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां बीजेपी के ऊपर तीखा हमला किया है प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा ने। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज। आज हम मिलने आए हैं समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी के साथ, उनसे कुछ वार्तालाप कर उनसे जानेंगे उनका क्या नजरिया, उनका क्या कहना है राम मंदिर जहां 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबने अपना बयान दिया, अपने लिए बोला, लेकिन राममय पूरा वातावरण है, पूरा भारत राममय है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें जो लोगों को खटकती हैं, कुछ वाद विवाद तो रहता ही है। जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो हर तरफ से आवाज़ उठती है, उन आवाज़ों में कुछ अच्छी होती है, कुछ दब जाती है, कुछ अपने अंदर की बातों को भड़ास को निकाल दे, कुछ लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं। तो दीपक जी जानेंगे उनके नज़रिए में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं, क्या राजनीतिक में आकर लोगों की भावनाओं को आहत हो रही है लोगों की। सर आपका स्वागत है एचटी न्यूज़ में। सर आपको सबसे पहले 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक हम हिंदू होने के नाते हमें तो खुशी है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं आप जैसे हमें सुनाई दे रहा, आपको भी आवाज़ें सुनाई दे रही, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो प्रभु राम हैं वह केवल हिंदुओं के तो नहीं है, जो भी प्रभु राम को किसी क्षेत्र से, किसी धर्म से, किसी जाति से बांध रहा है, जो भी, उन्होंने राम को नहीं पढ़ा, तुलसी को नहीं पढ़ा। तुलसी ने रामचरितमानस को हाथ में लेकर लिखा है, मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेबे के एक न देवे को दो। रहीम ने जो लिखा राम पर, राम नाम जानो नहीं जानो बस उपाधि। राम जो कृष्ण भी हैं, दोनों विष्णु के अवतार हैं हमारे रसखान ने जो कृष्ण पर लिखा है, मुझे लगता है कि सूरदास और मीरा के अलावा लाखों करोड़ों, अब तक तो अरबों हिंदू हो चुके होंगे, अरब तो अभी हैं, तब से लेके अब तक जोड़ डालिए, खरबों हिंदू लिखे उतना बढ़िया कृष्ण की व्याख्या नहीं कर सकते। और अभी तो मैं वेकल उत्साही जी को भी पढ़ रहा था, मुसलमान है ना, उन्होंने क्या लिखा है, वही बात जो तुलसी ने लिखी है, सिय राम मैं जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, पानी माने पाणी, वही बात लिखा है। तब तो ये इस तरह का कोई था ही नहीं मामला। उन्होंने लिखा है कि सांस सांस में सीता बसी, रोम रोम में राम, मैं तुलसी का वंश हूँ, अवधपुरी है धाम। ये किसने लिखा? एक मुसलमान ने लिखा। तो पहली बात तो राम को इस तरीके से छोटा मत करिए, जो भी करने, आप नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, आपके माध्यम से बात की जाती है, मत करिए छोटा। राम राज्य हमारे देश की यूटोपिया है, पूरी दुनिया को हमने राम राज्य की अवधारणा दी। डॉक्टर लोहिया, आपको रोकूंगी क्योंकि आपसे अच्छा व्याख्यान कोई नहीं कर सकता। सर ये जो जय श्री राम कसके बोलते हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छा समझा सकते हैं, बताइए राम क्या है? सर दो अक्षर का है, संपूर्ण भारत उसमें आ सकता है। आप, मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताइए, जो बोलते हैं जय श्री राम तेज से बोलते, आप बताइए सर राम क्या है, एक मधुर सा। देखिए राम, रामत्व है, राम कौन है? राम को समझने के लिए आपको पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी, राम को समझने के लिए तुलसी को पढ़ना पड़ेगा, राम को समझने के लिए लोहिया ने रामायण मेला क्यों लगाया, गांधी ने रामराज की बात क्यों की, ये पढ़ना पड़ेगा। और राम को समझने के लिए आपको तुलसी बनना पड़ेगा, अपने आप को सत्ताओं अट्टालिकाओं से दूर, जैसे तुलसी ने कहा था ना कि अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार, आप नर के मनसबदार बन के, मिनिस्टर बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के, सेठ महाजन बन के आप राम को नहीं समझ सकते। राम है कौन? राम वो हैं जो सत्तासीन होने के बावजूद भी एक हिचक नहीं लेते और पूरी सत्ता को छोड़ देते हैं। राम वो हैं जो सोने की लंका को जीतने के बाद भी, लोग कहते हैं कि प्रभु अब आप लंकाधिपति बन जाए, कहे ना, उन्होंने कहा ना, यद्यपि यह सोने की लंका है
समृद्धि की प्रतीक है, लेकिन लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, तो राम वो है। जैसे राम की सबसे अच्छी पूजा क्या है, राम ने जैसे शिव की पूजा की थी वैसे ही कीजिए, किसी गरीब के यहाँ जाइए और उस गरीब के होठों को मुस्कान दे दीजिए, उसके रोम रोम उसका पुलकित हो उठे प्रसन्नता से, यही राम की पूजा है। राम कभी भी अट्टालिकाओं और मंदिरों के मोहताज नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे और न कभी रहेंगे। जैसा आपने कहा कि आज वातावरण राममय है, वातावरण राममय कब नहीं था, गांधी के दौर में नहीं था, जब वो आज़ादी की लड़ाई में, जब आज़ादी की लड़ाई का ख्वाब वह देश के हर नौजवान हर नन्ही आँखों को दे रहे थे, तब उन्होंने राम राज्य का सहारा लिया था, कहा था कि हम आज़ादी के बाद राम राज्य की स्थापना करेंगे, और उन्होंने राम राज्य के गीत गाए, उनकी प्रार्थना सभाओं में रामधुन बजती थी, लोहिया ने नहीं किया, रामायण मेला लगाया, और रामायण मेला में आने वाले लोग कौन कौन से थे, अकबर यहाँ के राज्यपाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े विद्वान थे, कैप्टन अब्बास अली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लोहिया के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। तो कृपया करके राम को अपनी चमक धमक में धुंधला मत कीजिए। और जो आपने नारे की बात की जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम का मतलब क्या होता है, राम जिन गुणों के पोषक थे उन गुणों की जय, राम ने जिन आदर्शों को जिया उन आदर्शों की जय। और फिर राम जय श्री राम में अगर श्री की जगह सिया होता ना, जैसे जब बापू ने कहा, गांधी ने कहा कि देश में राम राज्य चाहिए, तो वहीं डॉक्टर लोहिया ने कहा नहीं, देश में सीता राम राज चाहिए, राम के बिना सीता क्या, सिया राम कहिए ना। और हमारे बुजुर्ग तो कहते थे, मुझे मेरी अय्या याद है, मेरी अय्या कहती थी बाऊ सिया राम को आ जाता था, मेरी माँ सिया राम गाती थी। तो ये जो सिया राम की धारणा है, आप देखिए ज़्यादातर नाम आप देखिए, शुद्ध नाम राम बहुत कम मिलेंगे आपको, सीता राम नाम मिलेगा। तो सिया राम मैं जग जानी, तो सांस सांस सीता बसी, तो सांसों में सीता है। मैं कहूँगी राम जी ने अपना राजपाट छोड़ दिया था परिवार के लिए, कहीं कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि राम का नाम का इस्तेमाल हो रहा है इस समय राजपाट को पाने के लिए, राजनीति को और धर्म को जोड़ा जाता है, मतलब तो पहले जोड़ा जाता, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तो बदल रहा है, भारत बदल रहा है, सोच बदल रही है, आपके काम ही इतने अच्छे होने चाहिए कि जनता खुद ही आपको चुने, लेकिन फिर भी धर्म का सहारा लेना पड़ता है सर, क्यों? देखिए जो लोग ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग या राजनीति को अलग होना चाहिए, मैं उन्हें डॉक्टर लोहिया का एक कथन याद दिलाऊंगा, धर्म दीर्घकालीन राजनीति और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। तो धर्म भी तो मानव कल्याण के लिए है और राजनीति भी मानव कल्याण के लिए है। जैसे आप कृष्ण को क्या मानती हैं या राम, जितने धार्मिक हैं उतने ही अपने दौर के राजनीतिक प्रतीक हैं, राजनीतिक विभूति हैं। कृष्ण ने क्या किया, लोगों को संगठित किया, अन्याय से लड़ा, विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है राजनीति है, यही है धर्म की संस्थापना, धर्म संस्थापना था यह। तो धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक और प्रतीक हैं, पर उसमें लड़ाई नहीं होती। नहीं, फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा, जब धर्म और राजनीति का अविवेकी मिलन होता है तो समाज का नुकसान होता है। जैसे लोकमान तिलक ने धर्म और राजनीति का विवेकी कृत मिलन किया, गणेश उत्सव लगाया गणतंत्र को मजबूत करने के लिए। अगर आप अपनी ही सत्ता के लिए, अपने को महिमा मंडित करने के लिए धार्मिक महानायकों, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आप धर्म के भी गुनहगार हैं और राजनीति के भी गुनहगार हैं। जैसे जब गांधी ने रामधुन शुरू किया, गांधी ने रामायण मेला, लोहिया ने रामायण मेला लगाया, तो उनका ध्येय अपने आप को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाना नहीं था। आप तुलसी बन के राम की पूजा करेंगे तो आदर्श भक्त हैं, आपको कहना पड़ेगा अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। अब आप राम पूजा के बहाने भीड़ जुटाएं और भीड़ में यह स्थापित करें कि आप ही मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि आप राम नाम का
दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा, चारों शंकराचार्यों ने पूजा में जाने से वहां जाना मना कर दिया। उनका कहना है कि ये धार्मिक चीजें, राजनीति दूर रहे। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि शंकराचार्यों का कहना का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो हिंदू रीति रिवाज में होती हैं वो इसमें उस तरह से नहीं किया गया है। और 22 तारीख को ऐसी डेट नहीं कि उसी दिन ला जाए। रामनवमी पे आप ला सकते थे, जब पूरा बन जाने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती, चाहे घर में भी छोटा सा मंदिर बनता, पूरा बनने के बाद ही मूर्ति को लेके आते। अभी बना भी नहीं है तो इतनी जल्दी क्या है, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, यह सही है कि मैंने राम राज्य को पढ़ा है। इन दिनों मैं राम राज्य, राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक भी लिख रहा हूँ। मेरे कई साथियों ने कहा कि इस विषय पर आप लिखें, और यह भी सही है कि मेरे आराध्य राम हैं और मेरे आदर्श राम मनोहर हैं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के समाजवाद में गहरी आस्था रखता हूँ। हिंदू भी हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शंकराचार्य पर टिप्पणी करने के योग्य हूँ। और शंकराचार्य हिंदुत्व की एक स्थापित पीठ हैं, तो किसी भी हिंदू को चाहिए कि शंकराचार्य जी का सम्मान करें। लेकिन आपको लगता है सर, बन जाने के बाद भी अगर ये होता तो खुशी दुगनी हो जाती? क्या किया जाए, मुझे अच्छा लगता कि आप राम मंदिर को रामत्व का केंद्र बनाते, लोक कल्याण का केंद्र बनाते। राम मंदिर, राम राज्य, सिया राम जैसी अवधारणाओं और शब्दों का प्रयोग सिर्फ सत्ता जनित सियासत के लिए, संकुचित सियासत के लिए करना ठीक नहीं है। देखिए, मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, पद के लिए अगर हम समाजवादी अवधारणाओं को, पद के लिए अगर हम राष्ट्रवादिता को, पद के लिए अगर हम रामत्व को थोड़ा संकुचित करें तो मुझे लगता है कि ये सिद्धांत की कसौटियों पर उचित नहीं। राम राज्य पे बहस से क्यों भाग रही हैं लोग? करो राम राज्य पे बहस, बताओ राम राज्य है क्या? बैर नकर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। आप बैर बढ़ा रहे हो, फिर राम का नाम लेने का मतलब क्या? विषमता क्या समाप्त हो गई हमारे देश में? अभी आप चले जाइए, यहां से 5 कदम की दूरी पर ऐसे लोग मिलेंगे जिनको इस सर्दियों में ढकने के लिए तन तक नहीं है। उनके तन पे एक कपड़े तक नहीं है, कंबल तक नहीं है। और थोड़ी दूर चले जाइए, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इतने कपड़े हैं कि क्या पहनकर निकले। राम प्रताप विषमता खोई, विषमता का आलम क्या है कि हम अरबपतियों के मामले में 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं और हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 21 करोड़ से ज़्यादा है। ये आंकड़े नीति आयोग के ही हैं, ये आंकड़े मेरे द्वारा गिनती की गए आंकड़े नहीं हैं। तो राम राज्य लाइए ना, राम मंदिर, राम मंदिर पड़ाव हो सकता है, महत्वपूर्ण तो वो इबादत है, वो पूजा है, वो आराधना है। राम को अपने अंदर, जो हमारे अंदर राम है, क्या लिखा है कृष्ण ने गीता में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। तो राम तो हर कोई है, आप भी हैं, हम भी हैं, वही नूर है, सब में समाया। तो सवाल यह है कि हम क्यों राम को संकुचित कर रहे हैं? मानस आपके हाथ में है सर, और मुझे लगता है जिन्होंने भी इसे पढ़ा होगा, और जो भी इसको पढ़ते हैं उनको पता है कि राम क्या है, राम में क्या है और राम राज्य क्या है। सर क्या? मैंने फिर कहा, मैं बार बार कहता हूँ, राम राज्य क्या है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये राम राज्य की अवधारणा है। न व्याधि न जरा, आप देखिए, आप किसी अस्पताल में चले जाइए, जब अस्पतालों से लाश निकलती है ना, अल्प मृत्यु, तो ये राम राज्य का स्वप्न अधूरा है। सरकारें राम राज्य का स्वप्न को मूर्ति पर लाएं। मंदिर तो लोग बना ही लेंगे, जितना बड़ा मंदिर अब बन रहा है, इससे बहुत पहले बड़े बड़े मंदिर सदियों में बन चुके। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर,
बृहदेश्वर देख लीजिए तो पता नहीं चलता कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म, वो राम राज्य। राम ने अपने जीवन काल में किसी बड़ी अट्टालिका या किसी बड़े भवन या किसी बड़े मंदिर की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने एक पिंडी स्थापित किया था। किसके लिए? शिवत्व के लिए। शिव माने कल्याण, जन कल्याण के काम करिए, वही राम पूजा है। इसके अलावा राम, राम को पसंद क्या है? राम को पसंद ये है कि कोई सबरी भूखो न सोए, कोई निसात इस ठंडी में जब लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं, उसको सवारी नहीं मिल रही है, तो उसके बच्चे भूखे ना सोए। भूखमरी में हमारा देश इस समय अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो रामराज के स्वप्न को पूरा लाइए, और रामराज का सपना गुलाम हिंदुस्तान का सपना है। आज़ादी के बाद राम राज्य स्थापित हो, आज़ादी के बाद समाजवाद स्थापित हो। ये सपना किसने देखा था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी बनाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद हनुमान भक्त थे। आज़ादी के बाद राम राज्य स्थापित हो, ये सपना किसने देखा था? महात्मा गांधी जैसे सत्याग्रहियों ने देखा था, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जेलों में बिता दी। तो दोनों सपन अधूरे हैं, और दोनों सपन समलक्षी और समदर्शी हैं। राम राज्य और समाजवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तो यूं कहूंगा कि भारत का महान स्वप्न राम राज्य है, और उस महान स्वप्न को पाने के लिए जो सिद्धांत होना चाहिए वह सिद्धांत समाजवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी, समाजवादी चिंतक। इन्होंने बताया कि राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन राम मैं होना चाहिए। राम जैसा राजा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन राम राज्य आए जहाँ सुख में पूरी संसार है, या जनता को वो जो दुख, जो कपड़े नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, आप मंदिरों पे इतना खर्चा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप आम जनता को भी देख के चलो। समाज जब खुश रहता है तो मुझे लगता है देश संपन्न रहेगा, आपका नाम तभी होगा। राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म में, धर्म को अलग रखिए, राजनीति को अलग रखिए। अगर दोनों मिलते भी हैं, आप मिलाते भी हो, तो उसको अच्छाई के लिए मिला चाहिए, लड़ाई के लिए नहीं। तो बने रहिए हंगामा टाइम साथ, आप ऐसे ही देखते रहिए, और कुछ अच्छा लगता है इसमें आपको भी कुछ कहना तो बताना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा खबर तो लाइक करिए।